हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने उपाय जो बताए हैं वो आपको एकादशी के दिन करने हैं। यदि आपके मान सम्मान में कमी है, शरीर में रोग है, धन की कमी है, व्यापार में परेशानी है, तो ये उपाय करने हैं एकादशी में। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन से जो भी संकट है, जो भी तकलीफ है, कष्ट है, वो समाप्त होंगे और आपके धन में वृद्धि होगी, व्यापार वगैरह बढ़ेगा, आपका कारोबार में वृद्धि होगी। तो पहला जो उपाय है गुरुजी ने बताया है एकादशी के दिन आपको कैसे करना है, इस उपाय ये उपाय है जो पहला उपाय है वो है मान सम्मान और रोग के लिए। यदि आपके समाज में मान सम्मान नहीं है, आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, पद प्रतिष्ठा बढ़े आपकी, तो इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको तुलसी की डंडी लेनी है। ध्यान रखिए, तोड़नी आपको एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी नहीं है। जो भी डंडी अगर आपके घर में पहले हो तो पहले से, यदि कहीं कभी कभी ऐसा होता है तुलसी के नीचे बहुत सारी डंडी भी टूट के गिर जाती है, तो आपको वो डंडी ले लेनी है और उस डंडी को जो सिलवट्टा होता है उस पर घिसना है, जो चंदन घिसने वाला सिलवट्टा होता है उस पर आपको घिसना है। इससे जो चंदन निकलता है तुलसी की डंडी से, इसे कहते हैं हरी चंदन। ध्यान रखिए, इसे हरी चंदन बोलते हैं। तो आपको वो घिस लेनी है डंडी, और इस जब आप डंडी से घिसेंगे और आपको इसमें जब वो चंदन निकलेगा तो उस चंदन को आपको अपने नहाने के जल में डाल लेना है, नहाने के जल में आपको मिला लेना है। उसके बाद उसी जल से स्नान करना है। यदि आप नवरात्रों के बाद पड़ने वाली एकादशी में इस जल से स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, लोग आपको सम्मान करेंगे और आपके जो भी रोग हैं वो कष्ट दूर हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, आप जब स्नान करें इस जल से, जो तुलसी की डंडी से आपने चंदन निकाला है उस जल से आप स्नान करें, तो आपको हरी हर, ध्यान रखिए, हरे हर महादेव के नाम का स्मरण करना है और जल से स्नान करना है। हरि हर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए जल से आपको स्नान करना है। गुरुजी ने इसी को दूसरी तरीके से भी बताया, यदि आपके घर में सिलबट्टा नहीं है, आप चंदन नहीं पीस पा रहे हैं, चंदन घिस नहीं पा रहे हैं, लकड़ी नहीं घिस पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लकड़ी लेनी है तुलसी जी की, और आपको अपने नहाने के जल में उस लकड़ी को इस 21 बार घुमा लेना है गोल गोल, यानी क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको 21 बार घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं, क्लॉक वाइज जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको 21 बार उस लकड़ी को उस जल में डालना और 21 बार घुमा लेना है, और फिर उस जल से आपको हरि हर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए स्नान करना है, यदि आपके पास सिलवट्टा नहीं है तो। वैसे गुरुजी ने बताया है सिलवट्टे का महत्व, कि जिस घर में सिलवट्टा होता है, जिस घर में चंदन घिसा जाता है, तो सिलवट्टे का भी बहुत महत्व होता है। उस घर में कभी भी कर्ज नहीं हो सकता, अगर आपके घर में सिलवट्टा है तो कभी भी आपके कर्ज नहीं हो सकता। जिस कथा में सिलवट्टे का महत्व बताया था उसी कथा में उन्होंने ये उपाय बताए थे कि एकादशी के दिन आपको ये उपाय करने हैं। ये उपाय सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। दूसरा उपाय बताया है गुरु ने धन प्राप्ति के लिए। ध्यान रखिए, ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है। इस उपाय को आप दो बार कर सकते हैं, एक तो एकादशी के दिन कर सकते हैं आप, और दूसरा आप जब कार्तिक मास में जो दसवीं तिथि पड़ेगी, ध्यान रखिए ये उपाय आप दो दिन कर सकते हैं, एक तो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं और कार्तिक मास में जो दसवीं तिथि पड़ेगी उस दिन आपको ये उपाय करना है। यदि आपने ये उपाय कर लिए तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कारोबार में वृद्धि होगी। तो इस उपाय को भी आप कभी करना ना भूलें। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। आपको लेना है तुलसी की डंडी, और फिर हम आपको बता दें कि इस दिन आप तुलसी दल ना तोड़ें ना तुलसी की डंडी, तुलसी दल जी नहीं तोड़ी जाती है इस दिन। तो आपको तुलसी की डंडी ले लेनी है, एक डंडी लेकर आपको उसमें उसे घी में डुबो लेना है, गाय का देसी घी होना चाहिए, आपको देसी घी में उसे डुबोना है, और आपको पाती में आपको उसकी बाती तैयार कर लेनी है। ऊपर से आप रुई लगा लीजिए और रुई को आपको दीपक में रखकर जैसे गोल बाती होती है उस तरीके से आपको रख देना है नीचे, बस इस तरीके से सेट करना है कि डंडी के ऊपर आप रुई लगा लें, क्योंकि केवल जो डंडी है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, तो आपको डंडी के ऊपर रुई लगाकर उस डंडी को बत्ती का सेप दे देना है, बाती का सेप आपको दे देना है रुई लगाकर,
और उसे फिर जो गाय का घी है उसे आपको उसमें डुबोकर और दीपक में भर लेना है। उसके बाद जब शाम की आप आरती करें, चाहे लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, जो भी कृष्ण जी का राम जी का स्वरूप है आपके यहाँ, उससे आप आरती करें, पूजा करें, तो ये उपाय आप ना करें, बस ध्यान रखें ये उपाय एकादशी और नवरात्र और जो कार्तिक मास में दसवीं तिथि आएगी उस दिन किया जाएगा। तो ये उपाय आप अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।